हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आप लोगों का फ्रेश मॉर्निंग एनर्जी अपडेट। तो इस टाइम पे हम देखेंगे कि कौन से एनर्जीज आ रहे हैं। ये टाइमलेस है, तो जब भी आप देखोगे तब भी ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम, चाहे आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेंगे। सो अगर आप मेरे को विश्वास करते हो, अगर आपको लगता है कि येस यू कैन गेट सम वाइब्स, तो यू कैन वॉच इट। एट द सेम टाइम, मैं प्राइवेट रीडिंग करना कंप्लीटली बंद कर दिया हूँ, सो प्लीज डोंट सेंड मी रिक्वेस्ट। एंड स्कैमर से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपकी यूनिवर्स आपके लिए कौन सा एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं, स्पेशली इस मॉर्निंग में। लेट्स सी। ओम किम दक्षिणा कालिके नमो। आप लोग इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो किसी कौन सा एनर्जी आप लोगों के लिए भेज रहे हैं यूनिवर्स। ओके, सुबह का पहला एनर्जी आ गया है प्रेगनेंसी का। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आज आप लोग कुछ नई चीज़ कर सकते हो, कहीं ना कहीं नए प्रपोजल, नए लोगों के साथ बात, नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट। साथ ही साथ अगर आप प्रेगनेंसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो येस यू मे गेट अ गुड न्यूज़। एट द सेम टाइम कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाला है, क्योंकि प्रेगनेंसी मतलब शादी, प्रेगनेंसी मतलब कोई चीज़ आप बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। तो हो सकता है कोई टूर एंड ट्रेवल्स, हो सकता है कोई डेडलाइन के अंदर काम। एंड एट द सेम टाइम न्यूली रिलेशनशिप्स में अगर आप हो, या फिर न्यूली प्रोजेक्ट के साथ अगर आप एसोसिएटेड हो, तो ये प्रोजेक्ट को आप एक बहुत ही सक्सेसफुली एक नाम दे देंगे। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। और एट द सेम टाइम घर में कोई प्रेगनेंट हो सकते हैं और इसका न्यूज़ आपको मिल सकता है बहुत ही जल्दी। बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड भी हो सकता है, किसी का जन्म हो सकता है। लेट्स सी। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है वर्क ऑन योर कनेक्शंस। मतलब साफ बात है कि अपने रिलेशनशिप के साथ तो आपको काम करना ही है, बट मेरे ख्याल से ये खुद के साथ आपको काम करना होगा, खुद के सोल जर्नी के ऊपर काम करना होगा, कन्फिडेंट रहना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर ओन टाइम, इट्स ऑल अबाउट ट्रैकिंग योर ओन फियर्स एंड डिजायर्स। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं रीचिंग कंक्लूजन्स का मतलब, जैसे ही प्रेगनेंसी का कार्ड आए थे, रीचिंग कंक्लूजन्स का कार्ड भी आ रहा है। सो साफ बात है कि अगर किसी के साथ आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, सो वो सिचुएशंस ख़त्म। साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर इशू लेके अगर आप बहुत ज़्यादा दुविधा में थे, लाइक कोई चीज़ सबका आया है आपका नहीं आया है, कोई चीज़ सबने कंप्लीट किए है आपने कंप्लीट नहीं किए हो, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ जिस चीज़ को लेके शायद आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ अपने अंदर सोच रहे थे, ये सॉल्व हो जा रहा है। पर्टिकुलरली रीचिंग कंक्लूजन्स का मतलब है कि यू नो एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मन के अंदर आप लड़ रहे थे किसके साथ, खुद के साथ, तो वो कंप्लीट हो जा रहा है। अगर कहीं पे आप दो बार गए हो, या फिर आपको 3 times जाना पड़ा है एक छोटा सा काम को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ ऐसा काम आज आप कंप्लीट कर रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई फाइनली आपके सामने आके ऑटोमेटिकली आप जो चाह रहे हो वही बोल रहे, तो हो सकता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैनिफेस्ट किए हो, या फिर कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेशंस करना चाहते हो किसी पर्सन के साथ, वो ब्लॉक करके रखे थे और वो फाइनली आपके सामने आके बात करेंगे। सो रीचिंग कंक्लूजन्स मतलब एक टफेस्ट चैप्टर को आप खत्म कर रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे आ रहा है। और यहाँ पे 2 messages है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। सो आज आप एक बहुत अच्छा मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड सेकेंडली मेक अ चॉइस, तो एक्सेप्ट यू नो मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट अ मिरेकल एंड मेक अ चॉइस मतलब आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने लाइफ को किस तरह लेके जाना चाहते हो। सो अगर आप पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक सेफ जोन में रहेंगे, बट कुछ नई चीज़ नहीं ट्राई कर पाएंगे। बट अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे फॉर द सेक ऑफ योर बेनिफिट, योर डेवलपमेंट, तब आपके लिए एक लाइफ मिरेकल बन जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आज आपको कुछ ऐसे डिसीशंस लेने हैं जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होकर आपको डिसीशंस लेने हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रेव रहना पड़ेगा। मेक अ चॉइस मतलब आपको पता है कि कौन से पर्सन आपके लिए बहुत ट्रस्टवर्दी है और कौन सी चीज़ को आपको कट ऑफ करनी है, बट इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग
ठीक से डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो, या फिर जब भी दिन स्टार्ट कर रहे हो तो आपका एनर्जी चले जा रहे बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, कहीं ना कहीं ये वक्त आ गया है कि आप अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा स्ट्रेच, जो ये जो मैटर्स है ना चारों वो जो ये मैटर्स स्ट्रेच्ड है उसको थोड़ा सा घटाए और अपनी कंसंट्रेशन पावर को एकदम एक सेंट्रलाइज पॉइंट पे लेके आए, एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ करें। ऐसा ना हो कि आप चाहते हो कुछ चीज़ और वो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप बहुत बिजी हो दूसरे तीसरे चीज़ों के ऊपर। कहीं ना कहीं आज का दिन एक कंस्ट्रक्टिव होके आगे बढ़ने का प्लान कीजिए एंड उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना मत भूलिए। कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस में कुछ हिडन एनर्जीज भी छुपे हैं, तो लेट्स सी कि आज के हिडन एनर्जीज क्या हो सकता है। पर्टिकुलर मेजर चेंजेस आपके अंदर, एक मेजर चेंजेस आए हैं जो हिडन है और हो सकता है उसके बारे में आपको पता नहीं है। आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हो चीज़ों को एंड बहुत अच्छे से डिसीशंस भी ले पा रहे हो। पहले हो सकता था आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, आप डिसीशंस पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके नहीं ले पा रहे थे। एंड मेजर चेंजेस मतलब ऐसा हो सकता है कि फूड हैबिट के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए हो, या फिर जल्दी उठे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ को हटाए हो लाइफ से एंड रिकनेक्ट किए हो किसी से। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशंस है यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल चेंजेस है, और स्पिरिचुअल चेंजेस आप और भी ज़्यादा कर रहे हो। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंजेस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, बट ये चेंजेस अभी विजिबल नहीं है, तो हो सकता है कि स्ट्रगल खत्म हो रहा है और नए अच्छी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बट अभी भी अच्छे एनर्जी को आप नहीं देख पा रहे हो। वो हिडन है, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा वो एनर्जी। लेट्स सी और क्या चीज़ हिडन है। सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है मैनिफेस्ट। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले वो चीज़ आपका अभी नहीं दिख रहा है अभी आपको, बट वो चीज़ हो रहा है मैनिफेस्ट, तो हिडन मैनिफेस्टेशंस भी काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे है लीव योर पैशन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि क्या आप सक्सेसफुल होंगे, या फिर जो चीज़ को लेके आप कोई मतलब हो सकते नए जॉब, हो सकते नए बिजनेस, हो सकते नए हॉबी, हो सकते नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट, ये चीज़ को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो या फिर फ्यूचर में जाके कुछ करना चाहते हो और उस चीज़ को लेके डर रहे हो क्योंकि इस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो लीव योर पैशन। जो चीज़ आप मानते हो कि ये आप ही के लिए बने हैं और इसमें आप माहिर हो, तो उस चीज़ को लेके आगे बढ़िए। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना होगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें रिवील हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने पैशन के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। सेकेंडली यहाँ पे मैं देख लूँगा कि कौन से हिडन ऑब्स्टिकल्स छुपा है। हिडन ऑब्स्टिकल्स कौन से छुपे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कुड बी द वन। आई थिंक कोई एक ऐसे पर्सन को आप चूज़ किए हो और आई थिंक आपको पता है कि हाँ इसी के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसी के वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। सो फिगर दिस थिंग आउट एंड उस पर्सन के बारे में अभी मत सोचो। हो सकता है आप ये मैसेज आ रहा है कि लव लाइफ के बारे में मत सोचो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लव लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उस चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं है, या फिर पर्टिकुलर कोई एक पर्सन ऐसे है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ना चाहते हुए भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ आज का टाइम है कि उस पर्सन के बारे में मत सोचो, उस टॉपिक के बारे में मत सोचो। और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में आप सोच के दिन को स्टार्ट कर सकते हो एंड बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और कौन से हिडन ऑब्स्टिकल्स है। ओके, हिडन ऑब्स्टिकल्स मतलब हिडन ही आया। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर की हिडन डिप्रेशन, या फिर आपके कुछ हिडन इनसिक्योरिटी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि लोग आपको गलत समझेंगे, या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट अगर बाहर आ जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ ऐसे चीज़ है आई थिंक जो चीज़ कभी भी बाहर नहीं आएंगे। सो ये है अननेसेसरी डर, हो सकता है ये आपके सिचुएशंस को बहुत ख़राब बना रहे हैं, अननेसेसरी फियर। एंड लास्ट कार्ड है रिलीजिंग द पास्ट। हो सकता है कि पास्ट को रिलीज करना है आपको बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए बार बार जिस जगह से आप स्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को उस जगह पे जाके पहुंच जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पावर नहीं है। सो कहीं ना कहीं है कि कुछ हिडन पास्ट रिलेटेड एनर्जी है और हो सकते वो पर्टिकुलर आपके एक टॉक्सिक पास्ट के बारे में ही है। उस चीज़ को भूल जाओ और कहीं ना कहीं मूव ऑन करिए आज के लिए। हो सकता है कि जो चीज़ अनरिजॉल्व है अभी वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आके ख़त्म हो जाएगा इन अ गुड वे। सो उस चीज़ों के बारे में सोच के अपना दिन बर्बाद मत कीजिए। लेट्स सी कौन सा एडवाइस इस
काइंड पे यूनिवर्स दे रहे हैं आपके लिए, एक एडवाइस दे दीजिए. यस, मेक द एफर्ट. जो चीज़ आप पाना चाहते हो लाइफ में, उस चीज़ के लिए आप एफर्ट्स दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आ जाएंगे. एंड कहीं ना कहीं अगर मैजिक को आप विश्वास करते हो तो एवरी डे आप मैजिक को अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई योर मैजिक, समटाइम्स इट वर्क्स एंड इट डज वर्क. सो ऑल द बेस्ट. ओम क्रीम दक्षिणा काली की नमो. आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा डिवाइन मैजिक. बाय बाय. बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल. माँ काली टैरोट बाय निर्मल मुखर्जी है मेरे ओनली इंस्टाग्राम वेरीफाइड अकाउंट. इसके अलावा मैं किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हूँ. ना ही मैं व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करता हुआ ये सब करता हूँ, लाइक प्राइवेट रीडिंग करता हूँ. ये कम्प्लीटली बंद है. बाय.